आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द रेशियो बिटवीन द एजेज ऑफ नीलम एंड शाइनी इज 5:6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नीलम और शाइनी के एज का रेशियो क्या है? 5:6। इफ रेशियो बिटवीन द 1/3 एज ऑफ नीलम एंड हाफ ऑफ शाइनी एज इज 5:9, देन व्हाट इज द शाइनी एज। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो लेट अपन रेशियो कॉन्स्टेंट क्या बोल देते हैं। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ लेट रेशियो कॉन्स्टेंट मैं क्या बोल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं रेशियो कॉन्स्टेंट के बोल रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो नीलम और शाइनी के एज का रेशियो 5:6 है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एज ऑफ नीलम क्या आ जाएगा, एज ऑफ नीलम क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 के इक्वल, और एज ऑफ शाइनी क्या आ जाएगा, एज ऑफ शाइनी आ जाएगा यहाँ पे ये 6 के इक्वल, अगर रेशियो कॉन्स्टेंट के बोल रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने गिवन क्या है कि इफ द रेशियो बिटवीन द 1/3 एज ऑफ नीलम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अपन सिचुएशन देखेंगे तो क्या गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो ये वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है क्या यहाँ पे 1/3 एज ऑफ नीलम। ठीक है, 1/3 एज ऑफ नीलम, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 अपॉन 3 और टू एंड हाफ ऑफ शाइनी एज। ठीक है, एंड हाफ ऑफ शाइनी एज, हाफ ऑफ शाइनी एज, 1/3 एज ऑफ नीलम, नीलम का एज क्या था 5 के, तो उसका 1/3 क्या आ जाएगा 1/3, तो 5 के/3 और हाफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाफ आ जाएगा यहाँ पे 6 अपॉन 2, हाफ ऑफ शाइनी एज। ठीक है, हाफ ऑफ शाइनी एज, और इसका रेशियो क्या गिवन है यहाँ पे, इसका रेशियो गिवन है 5:9। ठीक है, इसका रेशियो क्या गिवन है 5:9, तो इन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज द शाइनी एज। ठीक है, तो व्हाट इज द शाइनी एज, अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या जगह पे 5 अपॉन 3 / में क्या जगह पे 3 के, दिस इज इक्वल्स टू 5:9। ठीक है, तो आगे अगर अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या जगह पे, ये के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जगह पे 5:9, दिस इज इक्वल्स टू 5:9, जो कि ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी न्यूमेरिकल डेटा ऐसा नहीं है जिसके थ्रू अपन के कॉन्स्टेंट की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, सफिशियंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसके लिए आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो बस रेशियो रेशियो के फॉर्म में गिवन है, तो ये के जो रेशियो कॉन्स्टेंट था तो वो फाइनल इक्वेशन में जाकर कैंसिल आउट हो रहा है, इस रेशियो को ट्रू तो कर रहा है, बट के की वैल्यू यहाँ से अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो अगर के की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगा तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एज कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इन्फॉर्मेशन इज नॉट सफिशियंट, सो आंसर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।